Mali mwa. लगातार आ रहा है और 2011 में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रेल रोकी, पानी रोका, हमें आश्वासन दिए गए कि हम आपको 6 महीने के अंदर अंदर आरक्षण दे देंगे। मुख्तार अब्बास नकवी जी ने संसद सवाल उठाया और उसके उठाने पे दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी बोला, रामदास अग्रवाल ने बोला, जयंत ने बोला और उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक कमेटी बनाई। कमेटी में हमारी बाकायदा मीटिंग हुई, 3 मीटिंग हुई और हमें पूरा आश्वासन दिया कि 6 महीने में हम आपकी मांग मान लेंगे। और चिदंबरम साहब ने खुद ये कहा कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है। 9 राज्यों में जो आयोग बने उन्होंने हमें पिछड़ा घोषित किया, 9 राज्यों में आरक्षण दिया गया, राजस्थान में केंद्र में आरक्षण दिया गया, हरियाणा में अभी जो आयोग बना माननीय हुड्डा जी ने आयोग बैठाया था उसमें जाट को अति पिछड़ा घोषित किया गया। तो हमारी समझ में यह नहीं आता कि इस जाति के साथ धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अभी हरियाणा में जो आरक्षण दिया गया 10% वो उसमें मुसलमान को छोड़ दिया गया, कहीं जो है जाट अब धौलपुर में जो धौलपुर और भरतपुर को छोड़ के बाकी राजस्थान में दे दिया। हमारी आरक्षण की मांग है, हमें आरक्षण की मांग दे रहे। 5 तारीख से लगातार 5 मार्च से लगातार हमने धरना दिया हुआ जंतर मंतर पे, लेकिन सरकार के कान पे अभी तक कोई जू नहीं लगी और कोई हमारे हमारे सामने ये नहीं आया कि आप हम आपकी बात सुन रहे हैं। यहाँ पे हम भूपेंद्र हुड्डा जो दीपेंद्र हुड्डा चौधरी के बेटे जीतने की कहो और ये नौजवानों की मांग है, उन्हें बाहर आना चाहिए, बात करनी चाहिए थी। ये बहुत शर्म की बात है कि जैसे चौधरी और दीपेंद्र हुड्डा जैसे नौजवान जाट जाति से संसद में बैठे हैं। अरे जाटाने बच्चे ही और कुछ भी आपको नहीं देंगे, रहेंगे लोकसभा से इसको पिछड़े वर्ग में शामिल कराया जाट बरादरी।